हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक लास्ट क्लास में क्या चल रहा था? हम कर रहे थे मार्जिनल रिलीफ के रिलेटेड टॉपिक कर रहे थे। तो हम मार्जिनल रिलीफ किस असेसमेंट ईयर के लिए कर रहे थे? हम मार्जिनल रिलीफ सीख रहे थे असेसमेंट ईयर 1819। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देती हूँ। यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में सीखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक स्लैब रेट देखा था कि अगर मेरी इनकम 0 to 2,50,000 तक है तो मुझे नील टैक्स लगेगा। अगर मेरी इनकम 2,50,000 से अबव बट 5,00,000 तक होती है तो मेरा टैक्स रेट जो है अकॉर्डिंग टू असेसमेंट ईयर 1819 5%। अगर मेरी इनकम बच्चे 5,00,000 से 10,00,000 तक हो जाती है तो आपको जो टैक्स लगता है आपकी इनकम पर 20%। अबव 10,00,000 दैट इज 30%। मैं ये बात कर रही हूँ, अगर आपकी एज 60 से कम है तो आपको ये स्लैब रेट लगता है। मेरा मेन मोटिव आपको मार्जिनल रिलीफ सिखाना है, आप स्लैब रेट कोई भी ले लीजिए। अच्छा, हमने ये कैलकुलेट किया था कि अगर मेरी एग्जैक्ट इनकम 10,00,000 होती है तो अप टू 10,00,000 मेरा टैक्स बनता है 1,12,500। ठीक है, आप 10,00,000 से ऊपर जितना भी कमाते हो उस पर सीधे का सीधा टैक्स रेट आपको कितना लग जाता है, दैट इज़ 30%। फिर गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने 50,00,000 तक कमाया तो ठीक है, जैसे ही आपकी इनकम अबव 50,00,000 जाएगी तो आपको एक सरचार्ज लगाऊंगी मैं, और सरचार्ज आपका लगेगा आपके बेसिक टैक्स का 10%। ठीक है, अच्छा यही नहीं गवर्नमेंट रुकती, गवर्नमेंट कहती कि अगर आपने कभी 1 करोड़ से अबव कमा लिया, मैं अबव बोल रही हूँ, मैं 1 करोड़ की बात नहीं कर रही हूँ, आपने कभी भी अर्न किया कितने से ज़्यादा, 1 करोड़ से ज़्यादा, देन आपका सीधे का सीधा सरचार्ज अमाउंट हो जाएगा 15%। इट डजेंट मीन कि 1 करोड़ के अबव वाले पर आपको लगेगा, आपका जितना भी टैक्स बनाएगा उस पर आपको कितना चार्ज हो जाएगा, 15% चार्ज हो जाएगा। चलिए, मैंने आपको कल 50,00,000 तक करवा दिया था, 50,00,000 से ऊपर आप 1,00,000 भी कमाते हो तो आपको मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालना है वो हमने लास्ट क्लास पर डिस्कस कर लिया था। टुडे वी विल डिस्कस इफ वी अर्न अबव 1 करोड़ रुपीज। ओके, तो इफ वी अर्न अबव 1 करोड़ रुपीज देन द सरचार्ज विल बी 15%। राइट, जस्ट टेक वन केस, सपोज आप अर्न कर रहे हैं एग्जैक्टली 1 करोड़। राइट, चलिए बताइए 10,00,000, इसमें जो 10,00,000 होगा उस पर गवर्नमेंट कितना टैक्स लगाएगी वो हमने सीख लिया, दैट इज 1,12,500। ओके, 1 करोड़ में से 10,00,000 पर तो निकाल लिया, बचा कितना बेटा आपका, 90,00,000। 90,00,000 पर सीधे का सीधा आपका कितना लगेगा, कितना टैक्स, 30%। तो 30% आपका 90,00,000 का कितना हो गया, 27,00,000। तो आप इन दोनों टैक्सेस को ऐड कर दीजिए, आपका ये दोनों टैक्सेस ऐड करके आ जाएगा 28,12,500। राइट, ओके, दिस इज माय व्हाट, ये जो टैक्स आपने कैलकुलेट किया है दिस इज माय बेसिक टैक्स, दिस इज माय बेसिक टैक्स। ओके, इस पर लगेगा बिकॉज नाउ माय इनकम इज अबव देन 50,00,000, 1 करोड़ से अबव तो है नहीं, अप टू 1 करोड़ 10% ही लगता है,
50 लाख से अबब है तो मेरे मुझे जो भी मेरा बेसिक टैक्स निकल के आएगा उस पर सरचार्ज कितना लगेगा, 10%। तो इसका आप इसमें ऐड कर दीजिए, सरचार्ज ऐड कर दीजिए 10%। तो सरचार्ज आप इसमें ऐड करेंगे तो वो आएगा आपका, दो मिनट बेटा, वो आपका आ जाएगा 2,81,250 रुपीज़। आप इन दोनों टैक्सेस को ऐड कर दीजिए, इन दोनों टैक्सेस को ऐड करके बनेगा आपका 30,93,750। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, ये मेरा टैक्स बना सरचार्ज ऐड करने के बाद। अच्छा, इसमें फिर ऐड क्या होता है, ऐड क्या होता है, 2% व्हाट एजुकेशन सेस, एजुकेशन सेस भी ऐड कर दीजिए, वो आपका बन जाता है 61,875। अच्छा, ये 2% जो आपने निकालना है, ये किसका निकालना है, ये आपने इसका निकालना है। ठीक है, ऐसे ही और एक ऐड होगा 1%, 1% जो है वो हायर एजुकेशन सेस होता है, वो आपका 1% होता है और वो भी इसी का निकालते हैं, 1% भी इसी का निकालना है और वो बन जाएगा आपका 30,938। ये वाला टैक्स, ये वाला टैक्स, तीनों को ऐड कर दीजिए, जो भी आपका अमाउंट आएगा, अमाउंट इज 31,86,563। दिस इज़ माई टोटल टैक्स लाइबिलिटी, दिस इज़ वॉट मेरी टोटल टैक्स लाइबिलिटी होगी ये, और ये गवर्नमेंट को मुझे पे करना पड़ेगा इफ आई अर्न 1 करोड़ रुपीज़, एग्जैक्टली 1 करोड़ रुपीज़। नाउ आई टेक द अनदर केस। अभी हमने कौन सा केस लिया, हमने केस लिया था कि अगर मेरी इनकम एग्जैक्टली 1 करोड़ होती है। चलो दूसरा केस लेते हैं, आप मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, नाउ माई इनकम इज 1 करोड़ 1 लाख। जैसे ही मैं 1 करोड़ से ऊपर जंप करी, मेरा सरचार्ज जो गवर्नमेंट मेरे पे लगाएगी वो अमाउंट हो जाएगी 15% रादर देन 10%। चलिए 1 करोड़ 1 लाख के लिए कैलकुलेशन करते हैं। ये आपको सबको पता है कि अप टू 10 लाख गवर्नमेंट लेती है 1,12,500। जल्दी से इसमें से 10 लाख माइनस कर दीजिए, द रिमेनिंग अमाउंट इज 91 लाख। आप 91 लाख को 30% से कैलकुलेट करें, 91 लाख का बेटा जी 30% कैलकुलेट करिए तो आपको ये अमाउंट मिलेगा 27,30,000। ये आपका टोटल अभी टैक्स है, दिस इज कॉल्ड बेसिक टैक्स। ये आपका क्या बना, ये आपका क्या बन जाएगा, बेसिक टैक्स। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये दोनों ऐड करने के बाद आपका अमाउंट आ जाएगा 28,42,500। ठीक है, अब बताइए, ये मेरा बेसिक टैक्स है। ठीक है, ये मेरा क्या है, बेसिक टैक्स। अब इस पे गवर्नमेंट लगाएगी 15% सरचार्ज, तो आप इस बेसिक टैक्स का 15% सरचार्ज निकालिए कितना आया। आप जब इसका 15% सरचार्ज निकालेंगे तो बेटा जी ये अमाउंट जो है सरचार्ज का अमाउंट, अगर मैं सिर्फ देखूं तो ये मेरा बन जाएगा 4,26,375। अब बताइए मुझे कि जैसे जब मैं 1 करोड़ कमा रही थी तो सरचार्ज कितना बन रहा था, 2,81,250। जैसे मैंने 1 लाख, सिर्फ 1 लाख ऊपर कमाया, मेरा सरचार्ज देखो कितने से जंप हो गया, मेरा सरचार्ज कितने से जंप हो गया, आप 4,26,375 में से ये माइनस करके देखिए। इसकी कैलकुलेशन हम थोड़ा नीचे करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही आपने 1 करोड़ से ऊपर
1 लाख रुपीस कमाया, आपका 1 करोड़ तक सरचार्ज तो जो था वो था 2,81,250, राइट। जैसे आपने 1 करोड़ से ऊपर 1 लाख अर्न किया है तो आपका सरचार्ज सीधे का सीधा जंप कर गया 4,26,375। आप बताइए कितना जंप कर दिया इसने, इसने जंप कर दिया 1,45,125। अरे कमाया 1 लाख और उस पर सरचार्ज कितना बढ़ गया 1,45,125। कहानी यही नहीं रुकती, मैंने कहा कि आप मुझे ये बताओ क्या इस 1 लाख को अर्न करने के लिए, इस 1 लाख को अर्न करने के लिए सिर्फ ये सरचार्ज दे रही हूँ कि कुछ और भी दे रही हूँ, कुछ और भी दे रही हूँ। इस पर गवर्नमेंट मुझे 30% टैक्स भी चार्ज कर रही है, जो वो 1 करोड़ 1 लाख के बेसिक टैक्स में ऐड था। मतलब 1 लाख अर्न करने के लिए एक तो मुझे ये सरचार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ठीक है, और प्लस मुझे 30% किसका, उसी का 1 लाख का और देना पड़ता है, मीन 30,000 और। आप इन दोनों को ऐड करके देखिए, आप इन दोनों को ऐड करिए तो टोटल 1 लाख अर्न करने पर आपको कितना एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ रहा है, 1,75,125। ये तो कमाल होगी, 1 लाख अर्न करो और 1,75,125 गवर्नमेंट को दे दो। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, जितना अर्न कर रहे हो उतना ही टैक्स लूँगी। अर्न कितना कर रही हूँ, 1 लाख, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है 1 लाख तो दे दो और बाकी जो बच गया, जो मैं एक्स्ट्रा चार्ज कर रही थी 75,125, इसका क्या ले लो आप, इसका मार्जिनल रिलीफ ले लो। समझ आई बेटा कैसे निकालते हैं? आप पहले देखिए कि जब मैंने 1 लाख नहीं अर्न किया था उस टाइम तक मैं कितना जो है सरचार्ज दे रही थी, जैसे ही मैं 1 लाख अर्न किया तो सरचार्ज कितना बन गया, दोनों में डिफरेंस निकालिए। ये जो एक्स्ट्रा सरचार्ज आ रहा है ये ओनली बिकॉज ऑफ दिस 1 लाख, इस 1 लाख पर कुछ और भी दे रहे हो 30% टैक्स, मीन्स 30,000। तो टोटल 1 लाख अर्न करने के लिए आप दे कितना रहे हो, 1,75,125, बट गवर्नमेंट कितना चार्ज कर सकती है, इक्वल टू इनकम और लेस देन इनकम। तो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट मुझसे कितना चार्ज कर रही थी, 75,125, दिस इज़ माय मार्जिन, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे और सुनिए, और सुनिए इसके आगे, देखो 75,125 मेरा मार्जिनल रिलीफ है। मैं टोटल टैक्स अभी 1 करोड़ 1 लाख पे कितना दे रही थी, टोटल सॉरी सरचार्ज 4,26,375, गवर्नमेंट ने मुझे उसमें से कितना पैसा छोड़ दिया, 75,125, राइट, 125 छोड़ दिया। तो आप इसमें से ये माइनस कर दो, अगर उसने मुझे ये रिलीफ दे दिया है तो ऑब्वियसली मुझे अब जो सरचार्ज देना पड़ेगा इतना नहीं देना पड़ेगा, उसमें से ये डिडक्ट हो जाएगा एंड आफ्टर डिडक्टिंग इट माय सरचार्ज इज 3,51,200। ये टू में कोई प्रॉब्लम है, 250, ठीक है। तो कितना बन गया मेरा, 3,51,250, इट इज माय सरचार्ज जो गवर्नमेंट में से चार्ज करेगी। अब आप इस पे भी निकाल के देख लो, क्या गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं चार्ज कर रही है आपसे, कैसे निकाल के देखोगे मुझे बताओ। 1 करोड़ तक गवर्नमेंट कितना सरचार्ज लेती है, 2,81,250 रुपीस। 1 करोड़ से ऊपर 1 लाख कमाने पर कितना सरचार्ज दे रही हूँ मैं, 3,51,250 रुपीस, ठीक है।
अब आप इन दोनों को डिटेक्ट करके देखो, आप दोनों को डिटेक्ट करो, किस किस को, 2,81,250, 3,51,250, इन दोनों को माइनस करके देखिए, ये आपका आ जाएगा 70,000। तो एक्स्ट्रा कितना सर चार्ज 1,00,000 कमाने पर चार्ज कर रही है, 70,000। अच्छा, 1,00,000 कमाने पर सिर्फ ये एक्स्ट्रा सरचार्ज नहीं ले रही, इसे 1,00,000 के कमाने पर, इसलिए 1,00,000 के कमाने पर वो 30% एक और टैक्स लगाती है। अगर ओके 30% और टैक्स लगाती है तो कितना हो गया 30,000। तो टोटल वो 1,00,000 कमाने पर मुझे कितना टैक्स मेरे से ले रही है, 1,00,000। तो इट इज़ इक्वल टू माई इनकम, तो इतना तो कर ही सकती है। तो इसलिए आपका जो ये वाला आंसर आएगा, आप एक बार चेक कर लीजिए क्या अब वो जो भी मैंने ये आंसर निकाला आफ्टर गिविंग द मार्जिन लीव, इज इट करेक्ट और नॉट, और उसकी चेकिंग आप ऐसे करेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये आपका मार्जिन लीव था कि मार्जिन लीव कैसे मिलता है। ठीक है, इसके आगे कुछ और बातें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन दैट इज इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच बच्चे।